इंडिया वालों, पांडे के बच्चे किसे हमने ठोका पहले T20 में? मैं 4 ओवर में 11 रन देती, 2 विकेट लेती, तुम आरो को इस हमने बॉलिंग किया, तुमको ये टारगेट इतना बड़ा कर दिया, तुम तो भूतनी के फुस हो गए। तो इंडिया वालों, तुम्हारे गेंदबाजों की मैंने डेरी मिचेल्स ने ऐसे पिटाई की, उसकी तो डेरी खोल के मैंने रख डाली। एक ओवर में 27 रन, ये अर्शदीप ही था ना भूतनी के, कैसे मजा आया। अभी तो बच गया, दूसरे मैच में देखूंगा। अभी तो यार इंडिया वालों बच गए, 200 से ऊपर का टारगेट देना था, मैं रन आउट हो गया केवल एक रन बनाने के बाद। लेकिन वो कसर मैंने बॉलिंग में निकाली, 2 आउट किए, लेकिन हमारे कप्तान साहब ने तो कमाल कर दिया, 2 विकेट ली, 4 ओवर में केवल 11 रन दिए, शाबाश। अबे चुप करो न्यूजीलैंड वालों, ज्यादा टेंटे मत करो, पहला T20 जीत लिया तो क्या हुआ, वो तो सूर्य आउट हो गया, वरना जिस तरह से ये सूर्य आपको ठोक रहा था ना सूर्य वालों, 16-17 ओवर में टारगेट पूरा कर डालना था, लेकिन मैं आउट हो गया। सूर्या, हमारा हक बनता है, तुमने भी दिमाग खराब करके रखा था ना ODI जीतने के बाद, अब तुम भूल जाओ, T20 हमारी टीम जीतती और तुम जानबूझ के थोड़ी आउट हुए, हमारी गेंदबाजी ऐसी थी, तुम लुल हो गए, खेल लेना था, किसने रोका था। अबे कर लो, दिमाग जितना खराब करना है कर लो, जी भर के शोर शराबा कर लो। भूतनी वालों, सीरीज तो नहीं जीते, दूसरे और तीसरे T20 में हम आपको ऐसे ठोकेंगे, आज हमारी विकेटें गिर गई, कभी हमारी ऐसी विकेटें गिरती नहीं है। हाँ पांडे भैया, आज हमारी ऊपर तले विकेटें चलेगी, और मैं भी नहीं चल सका, मैं भी केवल 10 रन बनाया, लेकिन हमारा वास्टिंग सुंदर अच्छा ठोक रहा था, 6 छक्के ठोके, आखिर में गेंदे कम पड़ी, एक आधा ओवर और होता ना उसने ठोक डालना था, बच गए यार ये। दीपक के बच्चे 6 छक्के नहीं उसने लगाए थे, केवल 3 छक्के लगाए थे, 1-2 ओवर भी होते ना उससे कुछ नहीं होना था, हमने ऑल आउट कर देना था, वो भी आउट हो गया था, 1 विकेट तुम्हारी बची थी, वो भी हमने छोड़ दी, वरना उसको भी आउट करके ऑल आउट कर देना था, बच गए। अबे चुप कर मिचेल सेंटर्स के बच्चे, तुम्हारी वजह से टीम नहीं जीती, ये जो भूतनी का बैठा ना डेरी मिचेलसन, इसकी वजह से, ये भूतनी का आखिरी ओवर में मेरे को 27 रन ठोक गया, और पहली गेंद मैंने 9 बॉल करवा दी, मैंने बोला चलो रन बना लो। अबे अर्शदीप के बच्चे, जानबूझ के तूने रन नहीं दिए, ऐसे नहीं बोल, वरना ये तेरे टीम वाले तेरे को इतना मारेंगे पिछवाड़े पर, सारी रात तू सो नहीं सकेगा। भूतनी के वो तो मेरी हिम्मत थी, अभी तो बच के 40 रन ठोकने थे, जिस तरह तूने पहली गेंद 9 बॉल दी थी। चलो यार अब चुप करो, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने इंडिया को ठोका है, हम इसे ही ठोकते हैं, पहले तुम बच गए थे पांड्या, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज जीत सको, एक मैच भी नहीं जीतने देंगे, तुम छोटी छोटी टीमों के साथ कप्तानी करो। तो मिचेल सेंटर्स के बच्चे, काहे को क्यों दिमाग खराब कर रहा है, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना इधर ही पकड़ के आपको बहुत मारेंगे, भूतनी के एक मैच जीत लिया, ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है, तुम सब्र करो, दूसरे और तीसरे T20 में ऐसा ठोकेंगे फिर आपसे पूछेंगे। पांड्या बुरादर, अब तुम भूल जाती कि तुम दूसरा और तीसरा जीतती, तुम जीतोगी तब हमसे पूछती ना, अब हर मैच में हम बिल्कुल आपको ऐसा ठोक दी, इस बार तो बच गए, अगले मैच में बड़े मार्जिन के साथ ठोकेंगे, ऐसा ठोकेंगे तुमको भी पता। अभी चुप कर डायरी के बच्चे, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अंतिम ओवर में 27 रन जोड़ लिए आपने, और फिर भी 21 रन से जीते हो, हम देखना अगले मैच में 120 रनों से आपको ठोकेंगे। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।